द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता कौन? पेट्रोलियम, द्रव्य सोना, ठीक है। लिक्विड गोल्ड के नाम से जानता है कौन? पेट्रोलियम जाना जाता है। पेट्रोकार्प्स में मुख्यतः रूप से क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स होते हैं। पेट्रोकार्प्स में क्या होते हैं मुख्य रूप से? हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन लिपिड्स, हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड्स, हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड्स होते हैं। पेट्रोकार्प्स में क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन लिपिड्स किस में? तो पेट्रोकार्प में। हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड्स किस में होते हैं? पेट्रोकार्प में। हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड्स किस में होते हैं? पेट्रोकार्प में, क्रॉप में, ठीक है, पेट्रोकार्प में। हाइड्रोकार्बन एंड लिपिड्स किस में तो है? पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप मूल से क्या होते हैं? यूफोबिरियस होता है। यूफोबिरियस, देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में कहाँ होते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ होते हैं? कुछ पादपों के लेटेक्स में होते हैं। कुछ पादपों के लेटेक्स में पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, ये पेड़ हो गया, ओके, ये आपका पेड़ हो गया, यहाँ ये सब में आपका क्या मिलेगा? पेट्रोलियम मिलता है, ओके, जो जिसे यूफोबिरियासी कहते हैं। यूफोबिरियासी कहते हैं। कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित होता है कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कम हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कम हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप किस मूल रूप से संबंध रखते हैं? यूफो यूफो यूफोरबियासी, यूफोरबियासी के नाम से जानते हैं। यूफोरबियासी, यूफोरबियासी के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप किस मूल रूप से संबंध रखते हैं? यूफोरबियासी के नाम से रखते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित होता है कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा, कम हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा, कम हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा, कम हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये आपका क्या होगा? यूफोरबियासी कराते हैं। ऐसे पादप क्या किससे संबंध है? यूफोरबियासी कराता है। देखिए, पेट्रोलियम होता है कुछ पादपों के लेटेक्स में होता है मौजूद, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है, पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है कुछ पादपों के लेटेक्स में मौजूद होता है। अब वो जो लेटेक्स होता है उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे? तो कम अनुभार वाले के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कम अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन से होगा। किससे होगा? जलीय भंजन से किया जाएगा। जलीय भंजन से किया जाता होता है, ठीक है। ये ऐसे पादप किससे संबंध है? यूफोबियासी से, यूफोरबियासी से, यूफोरबियासी से। मिट्टी के तेल का संगठन कौन है? C11 से C16 है आपका। C11 से C16 आपका क्या है? कार, ये मिट्टी का तेल का संगठन है। मिट्टी के तेल का संगठन कौन है? C11 से C16, C11 से C16, C11 से C16 क्या है? मिट्टी के तेल का संगठन है। मिट्टी का तेल का संगठन कौन है? C11 से C16 है। मिट्टी के तेल का संगठन कौन है? C11 से C16, मिट्टी के तेल का संगठन कौन है? C11 से C16 है। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, C11 से C16 क्या है? मिट्टी के तेल का संगठन कहलाता है। C11 से C16 क्या कहलाता है? गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, यह मिश्रण किसका किसका होता है? हाइड्रोजन अल्कोहल का, नहीं, मिथेन अल्कोहल का, या प्राकृतिक गैस अल्कोहल का? गैसोहोल जो होता है मिथेन अल्कोहल का, पेट्रोल अल्कोहल का। गैसोहोल किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल और अल्कोहल का होता है। पेट्रोल अल्कोहल का होता है। गैसोहोल किसका मिक्सर होता है? पेट्रोल और अल्कोहल का होता है। गैसोहोल किसका मिक्सर होता है? पेट्रोल और अल्कोहल का होगा, बी होगा आंसर, ठीक है। गैसोहोल किसका मिक्सर होता है? पेट्रोल और अल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्यों? अधिक माइलेज, इंजन की सुरक्षा, नहीं, डीजल का इसलिए प्रयोग किया जाता है कम खर्च, ईंधन की बचत हो, आर्थिक बचत हो, सॉरी, उच्च क्षमता हो, आर्थिक बचत हो, उच्च क्षमता हो, आर्थिक बचत होता है, ओके। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या से।
किया जाता है। ठीक है, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन से व्यक्त की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन से क्या नापी जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता। ऑक्टेन से क्या नापी जाती है? ऑक्टेन की पेट्रोल की गुणवत्ता। अच्छे, अप स्फोटिरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान क्या होता है? उच्च होता है। अच्छे जो अप स्फोटिरोधी अच्छे अप स्फोटिरोधी अच्छे अप स्फोटिरोधी अप स्फोटिरोधी अप स्फोटिरोधी जो होते हैं अच्छे जो अप स्फोटिरोधी यौगिक होते हैं उसके ऑक्टेन संख्या का मान क्या होता है? उच्च होता है। अच्छे अप स्फोटिरोधी का मतलब जो पूरा ब्रेक कर दें, ओके, ब्रेक करने वाला जो कंपाउंड होता है वो उसका ऑक्टेन संख्या का मान क्या होता है? उच्च होता है। ऑक्टेन संख्या का मान क्या होता है? उच्च होता है। और पेट्रोलियम की गुणवत्ता भी ऑक्टेन संख्या से नापते हैं, ओके। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, टेट्रा एथिल ईसा का किया जाता है। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अप स्फोटिरोधी कौन है? लेड टेट्राएथाइल, जिंक सोडियम मिथाइल, नहीं, ये लेड टेट्राएथाइल सही होगा। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा स्फोटक रोधी यौगिक कौन है? लेड टेट्राएथाइल जो होता है पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अप स्फोटिरोधी यौगिक है। लेड टेट्राएथाइल क्या है? अप स्फोटिक रोधी है, ये सबसे अच्छा पेट्रोल में प्रयोग होने वाला अप स्फोटिरोधी कौन है? लेड टेट्राइथाइल है। पेट्रोल में सबसे अच्छा अप स्फोटिरोधी होने वाला कौन है? लेड टेट्राइथाइल है। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अप स्फोटन रोधी यौगिक कौन है? लेड टेट्राइथाइल है। लेड टेट्राइथाइल क्या है? पेट्रोल में यूज होने वाला अप स्फोटी यौगिक है। लेड टेट्राइथाइल क्या है? अप स्फोटी यौगिक है। लेड टेट्राइथाइल क्या है? अप स्फोटन रोधी यौगिक है जो पेट्रोल में यूज होता है।